पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज की अगर बात करें तो 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे का जन्मदिन हुआ था। ऐसे अगर बताया जा रहा है यहाँ के लोगों की अगर माने तो 30 जनवरी है। अब ऐसे में मंगल पांडे की धरती पर मैं आया हुआ हूँ जो नगवा गांव पैतृक गांव कहा जाता है, और हमारे साथ यहाँ के लोग भी कुछ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा ये जो बनाया गया था मूर्ति मंगल पांडे की बनाई गई थी, और उस दौरान के बाद आज पहली बार जिला प्रशासन द्वारा मंगल पांडे की जयंती मनाई जा रही है। आज हमारे साथ मंगल पांडे के गांव के लोग यहां पर उपस्थित हैं। हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे हकीकत क्या है और लोगों का यहाँ की कहना क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका परिचय? मैं ओम प्रकाश तिवारी, मंत्री शहीद मंगल पांडे स्मारक सोसाइटी, इस स्मारक का मैं प्रबंधक भी हूँ। हमारे देख रेख में बताइए, आज जिला प्रशासन द्वारा पहली बार मंगल पांडे का जयंती मनाया जा रहा है। देखिए, हम जयंती मनाए, कोई रोज मनाए उसकी अलग बात है, और ये हमसे जो बताया गया डीपीआरओ महोदय द्वारा मोबाइल से कि हम लोग अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई स्वागत है, करिए। लेकिन रात को जब न्यूज चल रही थी तो हमने देखा कि जिला अधिकारी महोदय का ये आ रहा है कि हम लोग जयंती मना रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और बलिया के इतिहास का ये छेड़छाड़ है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मंगल पांडे का स्मारक 1984 में बनकर तैयार हुआ, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस स्मारक को बनाने का ये किया, और 2005 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। और ये शिलापट आप देख रहे हैं, उसमें उनके पिता का नाम, माता जी का नाम, उनकी जन्म तिथि 30 जनवरी 1831, और 8 अप्रैल शहादत दिवस है, 8 अप्रैल 1857 शहादत दिवस है। अब इससे इतर कोई बात करता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और मंगल पांडे के इतिहास का, बलिया के इतिहास को छेड़छाड़ का ये प्रयास मैं मानता हूँ, और इसको बलियावासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज पहली बार चूंकि जिला प्रशासन द्वारा जयंती मनाया गया है, आपने सुना कि ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ और लोग भी हैं जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहें। जी, हरिशंकर पाठक, ग्राम सभा नगवा। 8 अप्रैल 2005 माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जी मूर्ति का अनावरण किए, और हम लोग यही जानते हैं, हम लोग 30 जनवरी को जन्म तिथि 30 जनवरी 1831 का जन्म तिथि, और 8 अप्रैल 1857 को शहादत दिवस मनाते हैं, और धूमधाम से मनाया जाता है। यह जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में हम भी थे, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम दिखलाया गया। अब क्या चल रहा है न्यूज पर आप लोगों के सामने है। अमृत महोत्सव के नाम पर यहाँ के लोगों का आरोप है कि अमृत महोत्सव के नाम पर जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ आप यहाँ के नगवा के रहने वाले हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज जयंती मनाई गई? आज माननीय जखा खाती है कि भाई जब विभाग लेकर आज वहाँ अपन जयंती जी। आपसे अगर बात की जाए तो आज पहली बार जिला प्रशासन द्वारा मंगल पांडे की जयंती मनाई गई है, वो भी आपके आवास से ही शुरुआत किया गया, क्या वो? हाँ, वो गलत है, क्योंकि अब जिला प्रशासन को किस माध्यम से 19 जुलाई की सूचना मिली तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने भी जिलाधिकारी महोदय का प्रेस वार्ता का जो उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि 19 जुलाई को जो है शहीद मंगल पांडे की जयंती धूमधाम से नगवा उनके पैतृक गांव नगवा में मनाई जाएगी, लेकिन मेरा इस संदर्भ में ये कहना है आप लोगों से कि हम इसको जो है पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, CBO से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस जन्मतिथि को संशोधित करने के संदर्भ में, क्या संशोधित किया जाएगा? जन्मतिथि तो उनकी असली जन्मतिथि जो 30 जनवरी 1831 है, न कि 19 जुलाई है। 19 जुलाई नहीं बल्कि 30 जनवरी 1831 बताया जा रहा है, और ऐसे में घर के लोग भी ये मानने पर तैयार नहीं है कि सही ढंग से आज की जयंती मनाई गई है। अब आगे देखना होगा कि जिला प्रशासन हो या शासन द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। नरेंद्र मिश्र, नवा टाइम्स ऑनलाइन, बलिया।